नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। हाल ही में 25 अगस्त को आज से करीब 16 दिन पहले विरार में एक बड़ी घटना घटी, जहां हाईवे पर एक कार में एक पेट्रोल पंप मालिक की लाश पुलिस को बरामद हुई थी। उस मामले में पुलिस ने 16 दिनों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धरपकड़ कर ली। इसी सिलसिले में आज क्राइम डीसीपी अविनाश अंबुरे, उन्होंने क्राइम यूनिट जहां हम खड़े इस समय, यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए इस पूरे डिटेक्शन की जानकारी मीडिया को साझा की। आपको बता दें कि उल्लासनगर के रहने वाले जो पेट्रोल पंप मालिक थे, उनके ड्राइवर ने उनकी हत्या की। उसके साथ में दो नेपाली लोग, उनका ड्राइवर और दो नेपाली लोग, उन्होंने तीन जनों ने मिलकर उनकी हत्या की और बाद में यहाँ से गुजरात से एमपी से होकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से वो लोग नेपाल भाग चुके थे। पुलिस लगातार उनकी खोजबीन कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को यह सूचना मिली कि वो गोरखपुर में आकर जो उनका डायमंड की अंगूठी वो बेचने वाले हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस की सहायता लेते हुए यूपी की ATS के मदद से इन आरोपी को धरपकड़ की और इनको वहाँ से यहाँ मुंबई लाया गया। इस बारे में क्या कुछ कहा क्राइम DCP ने, सुने वीडियो में आगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। नायगांव पुलिस स्टेशन के हाथ में CR नंबर 422/2024 के तहत एक मर्डर का गुना दाखिल हो गया था। बहुत ही सेंसिटिव केस था, जिसमें जो मयत है रामचंद्र गुरुमुखदास काकरानी, जो 75 इयर्स के सिटीजन थे, वो पेट्रोल पंप के एक ओनर थे विरार के, और उनका मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर हो गया था नायगांव में भारतीय न्याय संहिता कलम 140 किडनैपिंग, 103 मर्डर, 309 जबरी चोरी तहत, काफी सारे धारा के तहत गुना दर्ज हो गया था। और इसकी तब्दीश क्राइम ब्रांच पैरेलली कर रही थी, उसमें हमारे सेंट्रल यूनिट के पीआई राख, सेंट्रल यूनिट 2 के पीआई रनौरे, उनकी पूरी टीम इस तब्दीश में लगी हुई थी। और करीबन 16 दिनों के बाद हमने आज दो आरोपियों के ताबे में लिया है। उनका एक का नाम है मुकेश खूबजंदानी, जो ड्राइवर था, जो मयत हो गए उनका ड्राइवर था, जो उल्लासनगर का रहने वाला है। उसकी उम्र 58 इयर्स है। साथ ही उसके से जो साथीदार था अनिल राजकुमार उर्फ नेपाली मल्ला उर्फ थापा, जो 32 साल का था, जो यहाँ पे बोरीवली में सेंटरिंग का काम करता था, और जो मूल का जो है वो ओरिजिनली ही वॉज फ्रॉम नेपाल। इनको दोनों को हमने गोरखपुर से हमने ताबे में लिया, जहाँ पे हमारी यूपी की STF की टीम और ऑफिसर्स ने भी हमें सहयोग दिया। पूरे जो ये घटना हुई थी, इसमें 25 तारीख को जो मयत थे ये विरार पेट्रोल पंप में आए थे। उसके बाद में जब उनका काम खत्म हो गया तो ये ड्राइवर के साथ में वापस उल्लासनगर जाने के लिए निकल पड़े। तो पेल्लार के हद में जो ड्राइवर के जो दो साथीदार थे वो गाड़ी में बैठ गए और आगे जाके मांडवी के हद में उन्होंने अपने रुमाल से इनको जान से मार डाला। साथ ही उनकी जो अंगूठी थी और जो रोलेक्स ओमेगा की घड़ी थी और जो पैसे थे उनके पास में, वो चोरी करके ये लोग गुजरात हाईवे पे भाग गए। वहां से गुजरात से मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और वहां से नेपाल तक ये लोग, ये तीनों आरोपी वहां से भाग गए। हमारी पूरी टीम इनके इनका तफ्तीश कर रही थी, कांटेक्ट कर रहे थे हमारे जो गोपनीय सूत्र है और बाकी से मदद करके हम लोग इनके पीछे थे। और जब हमें पता चला कि ये जो चोरी का जो माल है ये बेचने के लिए गोरखपुर आने वाले हैं, तब हमारी पूरी टीम वहां पे थी और हमारी टीम ने उनको 16 दिनों के बाद में दो आरोपियों को हमने मुद्दे माल के साथ में हमने उनको पकड़ा, जिसमें सोने की अंगूठी, जो ओमेगा का वॉच और कुछ पैसे, ऐसा करीबन 15 लाख का मुद्दे माल भी हमने जब्त किया है। इसमें ये पूरी डिटेक्शन में हमारे API कामे यूनिट 2 के साथ ही API बेंद्रे और उनकी पूरी टीम, जिसमें हेड कांस्टेबल पाटिल, कोरे, ठाकुर,
संधू मागाड़े, साथ में साइबर के संतोष चौहान और यूपी एसटीएफ का मैं विशेष यहाँ पे उल्लेख करना चाहता हूँ कि उन्होंने, उनके ऑफिसर और उनके कर्मचारियों ने हमें इस डिटेक्शन में काफी हमको सपोर्ट किया और मदद की। आरोपी ड्राइवर जो है उसकी दूसरे आरोपी से कैसे मुलाकात हुई और कैसे योजना बनी इस पेट्रोल पंप मालिक को मारने की? ये अभी अभी हमने उनको अरेस्ट किया है, जब अभी इनका इंट्रोगेशन होगा, लोग इनका पुलिस कस्टडी लेंगे, तब पूरे डिटेल में इन्होंने कैसे इस चीज को अंजाम दिया है इसकी तब्दीश हम। कुल कितने लोग शामिल थे सर? और कुल तीन लोग हैं, अभी हमने दो लोगों को अरेस्ट किया है, एक अभी भी फरार। ये आरोपी है सर, क्या कितना कैश था जब वहां से निकले? करीबन 2 लाख तक उनका कैश। सर आरोपियों के खिलाफ कोई और भी जगह पे मामला? जो मुकेश खूब चंदानी जो है, जो अक्यूज्ड है, उसके ऊपर काफी सारे मुंबई में, उल्लासनगर में काफी जगह पे चोरी, जबरी चोरी के ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है। जो बाकी के दो अक्यूज्ड है वो नेपाल के हैं, उसमें से एक को हमने अरेस्ट किया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग नेपाल पुलिस से जरूर लें। सर ये घटना पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी? जी जी, पूर्व नियोजित। थैंक यू। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।